15 तारीख को क्या खुशखबरी आ रही है यार? आप सब भाई नहीं बता सकते, बट बहुत तगड़ी चीज आ रही है, मैं बता रहा हूँ। मतलब तुम सोचोगे ये वहाँ कैसे जा सकती है। और सिर्फ कुछ ही दिन में ही शुरू होने वाला है बिग बॉस 17। लेकिन दोस्तों ये क्या हाल है, बिग बॉस में कौन कौन आ रहे हैं इसके बारे में आप लोगों को ज्यादातर पता ही नहीं है। चलो मैं आपको बता देता हूँ इस बार बिग बॉस 17 में कौन कौन लोग आ रहे हैं। कंफर्म लिस्ट ही बताऊंगा और कौन कौन लोग आ सकते हैं उसका लिस्ट भी आपको बताऊंगा। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों, इस बार जो सिंगल्स और डबल्स का फॉर्मेट है, मतलब कपल्स भी आ रहा है और सिंगल्स भी आ रहा है, तो उसके मतलब रखते हुए 4 कपल फिलहाल फाइनल हुआ है, लेकिन एक कपल जो है वो सेमीफाइनल की कगार पे। चलिए बात कर लेते हैं किसके, अंकिता लोखंडे और विक्की जैन। जी हाँ दोस्तों, अंकिता आपको पता ही है सुशांत सिंह राजपूत के एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है, इसके साथ साथ वे एक नामचीन एक्ट्रेस भी है। उनके साथ है विक्की जैन, उनका हस्बैंड जो कि फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, और ये दोनों पूरी तरह से कन्फर्म्ड है बिग बॉस 17 में जाने के लिए। दोस्तों इसके बाद आ रहे हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर अरमान मलिक। जी हाँ दोस्तों, आप देखे होंगे उनके बहुत सारे वीडियो वायरल है, और उनकी पहली वाइफ पायल मलिक, जी हाँ दोस्तों उनके दो शादी है और दोनों एक साथ ही रहते हैं, उनके पहले बीवी जो है पायल मलिक वे आ रहे हैं अरमान के साथ बिग बॉस के घर में कपल। इसके बाद आ रहे हैं ऐश्वर्या शर्मा नील भट्ट, ये कपल टीवी सीरियल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और बहुत पॉपुलर चेहरा है, आप लोगों ने तो इन लोगों को देखे ही होंगे दोस्तों। इसके बाद और एक कपल जो है वह फिलहाल सेमीफाइनल पे है, मतलब उनका पूरी तरह से फाइनल नहीं हुआ है, ईशा नारविया और अभिषेक कुमार। जी हाँ दोस्तों, इनके साथ बातचीत चल रहा है और इनका आने का चांसेस बहुत हाई है। तो इसके बाद बात कर लेते हैं कौन कौन सिंगल्स आ रहे हैं। इसके पहले नंबर पे आते हैं एलिस यादव की एक्स गर्लफ्रेंड कृति मेहरा। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने अपने एक व्लॉग में कुछ ही दिन पहले ही एक रिवील किया हुआ है, आप देख सकते हैं। 15 तारीख को क्या खुशखबरी आ रही है यार? आप सभी भाई नहीं बता सकते, बट बहुत तगड़ी चीज आ रही है, मैं बता रहा हूँ। मतलब तुम सोचोगे ये वहाँ कैसे जा सकती है, पर चली गई। अरे वो यार बिग बॉस 17 सीजन 2 का विनर एलिस यादव के साथ बहुत सारे वीडियोस करते थे यूट्यूब में, और तभी से वे सामने आए हैं। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं एक यूट्यूबर अनुराग डोबल यानी UK07 राइडर, उनके साथ बातचीत लगभग फाइनल कगार पे हो चुका है और वे आ रहे हैं इस बार बिग बॉस 17 में। उनको बिग बॉस 42 के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन एलिस यादव को बुलाया गया। इसके बाद बात करते हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मूवी में भी हम देखे हैं हर्ष बेनीवाल। जी हाँ दोस्तों, वे आ रहे हैं बिग बॉस 17 में और वे तो फाइनल हो ही चुके हैं और उनको हम देखेंगे भी। इसके बाद आ रहे हैं जय सोनी, ये रिश्ता क्या कहलाता है में उनको देखा गया है और उनके साथ बातचीत भी लगभग कम्प्लीट हो ही गया है और वे इस बार आ रहे हैं बिग बॉस 17 में। बात करते हैं अंजुम फकीर के बारे में, खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 में उनको देखा गया है, कुंडली भाग्य से उनको फेम मिले हैं और वे आ रहे हैं इस बार बिग बॉस 17 में, उनके साथ बातचीत लगभग कंफर्म हो ही गया है। बात करते हैं अर्जित तनेजा के बारे में, टेलीविजन एक्टर्स अर्जित तनेजा इससे पहले MTV स्प्लिट जिला 6 कर चुके हैं, बॉक्स क्रिकेट लीग में हिस्सा ले चुके हैं, इसके साथ साथ नागिन 5 नागिन 6 में इनको देखा गया है और वे कंफर्म हो चुके हैं। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं आवेश दरबार की। जी हाँ दोस्तों, और एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर टिकटॉक में हम देखते थे और उसके बाद से इंस्टाग्राम में बहुत फेमस हुआ है, आवेश भी आ रहे हैं बिग बॉस 17 में, लेकिन आवेश फिलहाल पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, थोड़ा बहुत कंफर्मेशन मिला है। साथ बात करते हैं अंजलि अरोड़ा। जी हाँ दोस्तों, लॉकअप सीजन 1 में देखा गया है अंजलि अरोड़ा को, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और उनके साथ बातचीत चल रहा है और वे आ भी सकते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ कुछ ऐसे नाम भी है जो की आ सकते या नहीं आ सकते ये पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, जैसे कि संदीप सिकांत जो कि एक जज पैनल थे बिग बॉस 17 सीजन 2 का, बेबिका ध्रुव जो कि बिग बॉस 17 सीजन 2 से बिलोंग करते हैं उनको भी अप्रोच किया जा रहा है, रिया चक्रवर्ती और इनके साथ साथ ऋषभ जायसवाल को भी। तो दोस्तों आप किसके लिए कर रहे हो इंतजार, नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों।